चलिए दोस्तों, आटा लगाना और रोटी बनाना सीखते हैं। सबसे पहले आटा ले लीजिए, उसमें पानी डालिए और धीरे धीरे से मिलाना स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे मिलाने पर ये होगा कि छोटे छोटे साइज़ में पहले लगाएंगे उन्हें, धीरे धीरे उसे मारते जाना है, धीरे धीरे पानी डालना है, धीरे धीरे गूथना है आटे को, ऐसे ही धीरे धीरे जिस प्रकार मैं लगा रहा हूँ उस प्रकार आपको भी लगाना है। थोड़ा सा पानी डालिए, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, नहीं तो ज़्यादा पानी डाल देंगे तो चिपक जाएगा, चिपकने लगेगा आटा। ऐसे ही आपको लम्प्स में, अलग अलग लम्प्स में बना लेना है, फिर उसे जोड़ लेना है। तो आप कितना भी आटा हो, कितनी भी क्वांटिटी में आटा हो, उसे आप लगा लेंगे। ऐसे करते करते देखिए कितनी अच्छे तरीके से लग गया है। अब थोड़ा सा पानी छिड़केंगे और अच्छे से माढ़ लेंगे उसे दोनों हाथों की मदद से। जिस तरह मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। हाँ, ऐसे ही कि पूरा पानी वो आटा सोख ले। जिस विधि से मैं लगा रहा हूँ उसी विधि से आपको भी लगाना है। ये देखिए पानी पूरा सोख चुका है। हाँ, अब ये पूरी तरीके से लग चुका है आटा। ये देखिए कुछ भी चिपक नहीं रहा है। आपको जब पता लगेगा कि आटा अच्छी तरीके से लग चुका है, जब उंगली में आप आटा वो करेंगे, प्रेस करेंगे, तो चिपकना नहीं चाहिए आटा एक भी, मतलब आटा अच्छी तरीके से लग चुका है। अब चलिए रोटी बनाने का प्रोसीजर देखते हैं। सबसे पहले बर्तन ले लीजिए, गैस को ऑन कीजिए, तवा रख दीजिए, मीडियम फ्लेम पे कर दीजिए। फिर डो को छोटे छोटे साइजेस में काट लीजिए जैसा मैं कर रहा हूँ। फिर उसे अपने हाथों के द्वारा, दोनों हाथों के द्वारा फैलाइए और बेलना स्टार्ट कीजिए। रोलिंग बोर्ड पे रख के रोलिंग पिन से बेलना स्टार्ट कीजिए। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से मैं बेल रहा हूँ। अब इसे तवा पे रख दीजिए, गरम तवे पे। फिर से डो लीजिए थोड़ा सा साइज़ में, फिर उसमें बर्तन लगाइए और उसे फैलाना स्टार्ट किए दोनों हाथों की मदद से। अब फिर से बेलना स्टार्ट कीजिए और सामने देखते जाइए कि वो रोटी सीखी है कि नहीं, गर्म हुई कि नहीं। उसे पलटते जाइए, फिर जैसे ही अपनी ये रोटी